व्हाट्स अप गाइस, बाबर आजम स्मैश 31 रन, इतिहास रच दिया 31 रन बनाकर, और माइटी पाकिस्तान ऑल आउट ऑन 274, 274 पे ऑल आउट हो गई है। रूट का तांडव चल रहा है, तो करेंगे बात। एबी क्रिकेट फॉर भाई की वीडियो है, मस्त मजेदार होने वाली है, और आज तो आईसीसी को फोन कर देना चाहिए, है ना। 1 2 3 गो। नमस्कार पैजन। नमस्कार पैजन, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं पाकिस्तान वाले। ये कैसी फुद्दू ग्रीन विकेट थी पैजन, जिस पर नंबर 1 टीम के नंबर 1 5 बैट्समैन स्पिनर सही फील गए। ऐसी चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, ऐसी चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, तो फिर बीड़े का देख कमाल, तो फिर बीड़े का देख कमाल। खुश हो गए तू? खुश हो गए तू? 12वीं पास बीए फेल, तूने अपनी 50 कर ली, मेरी बबरों के बारे में नहीं सोचा। ये आदमी लोग क्यों नहीं जीतना छान बतू? ये सब ख्याल मेरी बबरों के दिल में आ रहे हैं। 21 आदमी ने जीना हराम कर रखा भाई साहब, ये सामने बिठा बिठा के लोगों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक कदम और नजदीक आ गया है। ये काली अंधेरी स्क्रीन नहीं है, ये हमारी जिंदगी है पाकिस्तान की पाईजान, इस पे उजाला कर दो। उजाला एक बारी जरा कमेंट बॉक्स में बबरू बबरू बबरी ना लिख दो, तब जाके उजाला होगा पाईजान। ओ पाईजान, ए हसन अली, ए टेपिए, फोन लगाओ नेपाल क्रिकेट बोर्ड को, भैंस की आंख लगाओ, लगाओ जल्दी लगाइए। अब नेपाल, नेपाल क्रिकेट बोर्ड नेपाल क्रिकेट बना रहे। हेलो पाईजान, नेपाल क्रिकेट बोर्ड से बोल रहे हो? पाईजान मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा हूं। ये रूबरू पाईजान? ओ पाईजान गाली क्यों दे रहे हो, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। मैं बबरी बोल रही हूँ, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। जी 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 जी, पीसफुल कंट्री, ज्यादा नहीं, बस साल में 362 धमाके होते हैं 365 दिनों में से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डोमिनेट बोल रहा हूँ। पहचान लिया? हाँ, आईसीसी का लाडला प्लास्टिक। पहचान लिया? हाँ जी हाँ जी, वही वही जितने कोहली बनते बनते अपनी जिंदगी की झंड करवा ली है, मनीष पांडे से भी पीछे रह गया है। हाँ जी, पहचान गए हो पाईजान? क्या बात है भाई, मैच खेलोगे? भाई देखो, घुमा फिरा के बात नहीं करनी आ रही है, मैच खेलोगे यार नेपाल से? एक एक भाई खेल लो यार, मेरी इज्जत बच जाएगी। भाई तीन मैच खेल लो भाई बनके। भाई किसकी माँ की? पाईजान देखिए, तो फिर आप अश्लील बातें कर रहे हैं। yes. पाईजान मैं तो बहुत ही डिसेंट आदमी हूँ, डोमिनेट किंग हूँ। मैं तो 3-0 से हार के भी कह देता हूँ सामने वाली टीम मेरे हेल्प पे, हमने बीच बीच में डोमिनेट किया है, वो बहन का स्ट्रोक भी होश होते होते बचा था पिछली बार जब आया था। पाईजान दो खेल लो, पाईजान खेल लो यार, एक आदमी की जान की बात है यार। पाईजान एक खेल लो, पाईजान नंबर वन रहना है। पाईजान एक 20-20 का रख लेते हैं। पाईजान 10-10 का बिरखुदार, आप तो बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। पाईजान एक बात बताइए, आपको बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने 150 किया था नेपाल के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, इस वजह से बुरा? पाईजान मैंने तो कैच दे दी थी ना 54 पे। तू नहीं पकड़ी है? मैंने तो कैच दे दी थी ना 54 पे। पाईजान अपने सोमपाल को जाके पकड़ो, उसने मेरा कैच पकड़ा था। हाँ जी हाँ जी, मैं तो पाईजान देखिए, मैं तो आईसीसी का लाडला हूं, मैंने अपना 50 करके कैच दे दी थी। हाँ जी, क्या बहन का क्या? पाईजान आप ठीक है, पाईजान मत करिए बात, फिर मैं कहीं और देखता हूँ। जी पाईजान, बाय 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 बाय। भाई यार किंग हूँ यार, भाई यार प्लास्टिक में ब्रांड हूँ यार, इतना बड़ा यार, मतलब जिम्बाब्वे। हेलो मैच खेलो पाईजान, जिम्बाब्वे से बोल रहे हो? अब कौन बचा? हेलो पाईजान, युगांडा से बोल रहे हो? युगांडा। पाईजान मैच खेलोगे? कोई नहीं खेला, सन्नाटा। आखिरी उम्मीद बची है भाई पाईजान। अब कौन है आखिरी उम्मीद? हेलो आईसीसी से बोल रहे हो पाईजान? ये सॉरी अब्बू बोल रहे हो? अब्बू देखिए, आज एक अनहोनी होते होते मैंने टाल दी है, आज मैंने ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ देना था ऑलमोस्ट। हाँ जी देखिए, पहले 31 रन मुश्किल थे, बाकी जो रह गए हैं 369 रन। हाँ हाँ अबू मैं बना लूंगा, किसी दिन मिलके बना लूंगा, बाद में बना लूंगा, कोई बात नहीं है।
हाँ जी, लेकिन मैंने 50 तो की है ना इस सीरीज में। यस, मेरे 53 रन हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, मेंटेन होगी रैंकिंग। अच्छा, रैंकिंग में नुकसान है, एवरेज मेंटेन है। चलो कोई बात नहीं पाई, कोई बात नहीं अबू। जी जी जी, ओके भाई। ज्यादा लंबी कॉल हो गई है आज, नहीं काफी सारे पाईजान आ गए हैं। मैच का रूबरू भी मुझे उनको करवाना है, मैच से रूबरू करवाना है। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मुंह में तो दे दिया है बांग्लादेश ने जी, धन्यवाद। पाईजान देखिए, आज एक अनहोनी होते होते टली है, ये तो बात आप लोगों को मानना पड़ेगा। एक्चुअली गलती मेरी, गलती मेरी बबरों की नहीं है, गलती है ये बांग्लादेश की। यार एक बात बताइए भाई लोगों, इंसानियत के नाते क्या बबरों को आउट वो ना करें तो चल नहीं सकता था उनका काम? नहीं मतलब यार, वहां पे कोई भी जाके 50 कर रहा है, कोई भी जाके 60-70 कर रहा है, कोई भी सेंचुरी कर देता है। क्या बांग्लादेश को, घंटे के किंग को इतना रिस्पेक्ट तो देना नहीं चाहिए था क्या? लेकिन भाई जान ये दे नहीं रहे हैं रिस्पेक्ट बिल्कुल भी। देखिए, जिस भाई ने मैच देख लिया है बहुत अच्छा, जिसने मैच नहीं देखा है अभी मैं रूबरू करवाता हूं तुम सब भाइयों को। पाकिस्तान में भूखी नंगी कौम में भाई बहुत ही खुशियां दौड़ पड़ी थी जब बाबर 30 रन पार कर गया था। कमेंट्री का लेवल ये है, और मुझे याद करवाना, ये मैं जो सारा हाल तुम्हें बताऊंगा ना बाद में, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनके स्टैंडर्ड क्या है। बाद में तुमने स्टैंडर्ड बताना है जब मैं ट्विटर पे जाने लगूं, उससे पहले, क्योंकि मुझे वो पिक्चर्स वहां पे डालनी है। दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि इनका स्टैंडर्ड क्या है, ये क्या मतलब, ये इनको बनना ऑस्ट्रेलिया इंडिया है, लेकिन हरकतें इनकी चिरकुट वाली हैं। तो वो मुझे बाद में याद दिलाना, थोड़ा बाद में दिलाना याद। तो भाई देखो, पहले मैच में तो वो ड्रॉ के लिए जा रही थी पाकिस्तान, पिल गई। 99% मैच वो ड्रॉ था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानती नहीं है। एक तो इनको ग्रीन टोपा देने की पता नहीं ऐसी क्या पड़ी है, कौन सा इनको अंदर से कीड़ा काट रहा है, ये इतने उतावले क्यों हैं ग्रीन टॉप के लिए, मुझे नहीं पता भाई। घास चाहिए, घास। वो मैच चलो ये पिल गए, 1-0 से ये पीछे हो गए, मतलब 1-0 से वो बांग्लादेश जो है वो मतलब एक मैच जीत के वो आगे हो गए, ठीक है, ये पीछे हो गए 0-1 से, ये मतलब सीरीज अभी चल रही है पाकिस्तान के हिसाब से। अब ये मैच अगर ड्रॉ हो गया तो भाई सीरीज जीत रही है बांग्लादेश। लेकिन आज जो इन्होंने करतूत करी है, क्या कर दिया भाई, ये पाकिस्तान ने जो करतूत करी है भाई, इसके हिसाब से लगता है कि ये मैच शायद ड्रॉ ना हो। ये भैंस की आंख 4 दिन में भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे गंदा खेल के, या फिर पाकिस्तान के पास एक आखिरी होप बची हुई है भाई। वो होप ये है कि दूसरे दिन, टेक्निकल दूसरा दिन है लेकिन वैसे मैच का तीसरा दिन है, क्योंकि पहला दिन बारिश के कारण खराब हो गया है। तो जो मैच का दूसरा दिन होगा, प्ले वाला जो दूसरा दिन होगा, 4 दिन का ही मैच इसको मान के चलो, कंसिडर करो अब। तो जो दूसरे दिन बैटिंग करने उतरेगी बांग्लादेश, या तो वो 2 सेशन में निपट जाए तब जाके कुछ हो सकता है इनका पाकिस्तान का। लेकिन अगर भाई वो अगर वो 3 सेशन खेल गए बांग्लादेश वाले, तो वो एक तो लीड ले लेंगे, और यहाँ पे 60-70-80 रन की लीड बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। पर वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैच एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुआ क्या क्या है, कैसे इन्होंने। सबसे पहले तो भाई देखो, एक काम तो बहुत तगड़ा करा है आज पाकिस्तान ने, है ना। देखो जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो करना पड़ेगा। पूरी रात बैठ के बबरों ने ग्राउंड सुखाया पाई जा बैटिंग चाहिए। तुम्हें लग रहा है ना कि वो रन नहीं बना रहा, आईसीसी से बात चल रही है उसकी, वो कह रहा है 25 रनों को 50 कंसीडर किया जाए और 50 को 100 कंसीडर किया जाए। बचपन में नहीं होता था, 25 ओवरों में बैट उठा देते थे बच्चे, तो वो उस हिसाब से हाल है भाई, मतलब उस तरीके का। हालांकि बबरो, ये जो 5-7 लोग देखने आए थे, ये भी बबरों को ही देखने आए थे, बाकी तो वही कुछ नहीं। वो सोफा तो घर पे जाके भाई बच्चे खिला रहा है, वो पी 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 वाले खिलौने दबा रहा है, इधर बांग्लादेशियों ने मेरी बबरों को दबा दिया। टॉस मैंने कहा था, मैंने कहा टॉस जीत जाए किसी तरीके से बांग्लादेश, हालांकि उसका एडवांटेज उठा नहीं पाई बांग्लादेश, क्योंकि यार पहले ओवर में विकेट गिर गया। उसके बाद देखो इतनी लंबी पार्टनरशिप हुई, और देखो नलायकी का आलम देखना, नलायकी का आलम देखो, इनकी सोच देखो, ये कहां मरते हैं। सबको लग रहा है ना कि बांग्लादेश बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है जी, घंटा आने दो इंडिया, जरा इनको बताते हैं। उसके बाद वो ठीक है कि उनके 8वें नंबर पे यार मतलब मेहंदी आता है बैटिंग करने, वो ठीक है, वो सारी बातें ठीक है भाई। पहली ओवर में विकेट गिर गया, 0 रन था। उसके बाद क्या होता है, 107 रनों पे एक ही विकेट डाउन था, तब तक ठीक है। 107 रन पे जाके दूसरा विकेट डाउन होता है, और लंच टाइम में मतलब इन्होंने पहले सेशन में 99 रन कर लिए थे। ट्विटर पे मेरा पोस्ट देखा था, किस किस ने देखा था, ट्विटर पे नहीं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था लंच टाइम में। मैंने कहा रिलैक्स गाइज, नींबू थोड़े पुराने हो गए थे, मैंने कहा मैं नींबू लेने जा रहा हूँ, नए नींबू कमिंग सून है, और लंच के बाद देखता हूँ इनका क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे को मैसेज आने चालू हो गए थे, अरे भैया पार्टनरशिप लग गई, पाकिस्तान फिर 550 लगा देगा मैंने घंटा। हालांकि देखो इनका ये पता क्या मक्कारी है, इनके ना टारगेट ही नुन्नू जितने भाई।
और देखो मैं एक बात बता दूं, ये पाकिस्तानी बार बार बोलते हैं कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों होती है, तुम कौन हो, हमारे मैच चल रहे हैं। मुझे तो एक ही वजह से इनकी चिंता होती है, क्योंकि बाप हूं मैं तेरा। सीधी बात, समझते नहीं है ना, बताना पड़ता है, भूल जाते हैं, बादाम खाने का औकात नहीं है तो भूल जाते हैं, ठोकर खा के अकल इनको आ नहीं रही, क्योंकि ठोकर खाने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो घर से बाहर निकलते नहीं है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, अच्छी भली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, प्रेशर इन्होंने बना दिया था बांग्लादेश पे, 107 रनों पे एक ही विकेट डाउन था, रन रेट भी बड़ा तगड़ा चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक तो ये शान मसूद की ना मुझे हरकत पता क्या लगती है, इसको जब मर्जी कितना ही क्लियर आउट हो जाए ये मानता ही नहीं कि आउट है। एक मोहल्ले में ऐसा बच्चा जरूर होता था जो कभी मानता नहीं था कि मैं आउट हूं, और अक्सर बैट उसी का होता था, तो ये वही वाली हरकत करता है कि मेरा बैट है, मैं कैसे आउट हो सकता हूं। बाद में पिक्चर भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। वो भाई 57 रन बना गया, बड़े तेज उसने रन बनाए, अच्छी पारी खेली, बढ़िया करा, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, साथ में रिव्यू की भी ना बहने कर चलो जी आउट हो गया। वो किसने आउट किया, उसको आउट किया भाई हसन मिराज ने, किसने किया था, मेहंदी ने, मेहंदी बाय द वे 5 विकेट ले गया, 61 रन दिए सिर्फ। और एक और बात इसमें बाद में भूल ना जाऊं, चौथा पाकिस्तान ने खेलना है, चौथा कुछ समझ में आ रहा है, चौथा ही ना हो जाए, चौथा ये मैच, मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के भाई ड्रॉ कर सकता है, आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल के ड्रॉ कर सकता है, जैसे कि पहले वाले मैच में हुआ था, कि मतलब ड्रॉ तो नहीं हुआ, लेकिन वो तो चलो, वो तो उन्होंने बता दिया ना कि हम नंबर वन हैं भाई, एक प्लेयर इनका 171 करता है, एक प्लेयर इनका उसी में 140-41 करता है, यार ये वो मैच पिल गए भैंस की आंख। सोचो इतनी तो पापा की परी नहीं उड़ती है जितने ये उड़ते रहते हैं भाई, खड़े नहीं होते विकेट पे, पापा की परी मिलाएगी हम मदरबोर्ड, दिल में पेन हो रहा है, इधर है वैसे दिल, लेकिन मेरे को यही हो रहा है इनके नाम। 107 रन हो गए थे, मैंने कहा आज हमारी निकम्मी औलाद ने अच्छा काम किया। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं आवाम से माफी मांगना चाह रहा हूं, मुझे लगा, मैंने कहा यार बहुत सही आदमी है ये तो, बबरो कहती मेरा एल मांगे माफी, बबरो ने कभी मांगी माफी, किसने मांगी माफी, अपना 50 करने के बाद शान मसूद ने क्या किया बाहर बैठ के, पता है ना, दिखाऊंगा अभी, इस थंबनेल के पीछे बहुत कुछ है। और सवाल एक ही है बरखुदार, लम्हाते फिकरात में सवाल एक ही है, ये कारगर्दी ठीक नहीं है मेरी बबरों की, और अकेली मेरी बबरों गुनेगार नहीं है, मेरी बबरों को टारगेट किया जा रहा है, मैं आज अपनी बबरों के लिए आवाज बुलंद करूंगा, और मैं जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं, तुम्हें मैं अकेला ही देखूंगा, चिंता नहीं करनी है। मतलब खुद का 50 करके कितनी खुशी महसूस होती है इनको, अभी पिक्चर आएगी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। 57 कर गया शान मसूद, उसके बाद क्या होता है, 122 पे भाई सैम अयूब आउट हो जाता है, और सैम अयूब आउट कैसे हुआ पता है तुम्हें, कितना गंदा शॉट खेल के आउट हुआ भाई, नहीं यार पिक्चर ले जाओ साथ में, पता क्या, नहीं तो दो बार फिर ना मेहनत करनी पड़ेगी, डबल डबल मेहनत, ये देखो लेट्स लाफ गाइस, अपना 50 हो गया, बड़ा आवाज उठा रहे थे, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं तो अंग्रेजी भी अच्छी बोलता हूँ, मुझसे कोई नहीं सवाल उठा लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चौथी फेल जर्नलिस्ट आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो उनको दबा लूंगा ये गोड़े नीचे, और ये इधर बैठा है जेसन गिलेस्पी, जेसन गिलेस्पी कह रहा भाई यार मेरा पासपोर्ट दे दो मुझे भागना है, मुझे लग रहा है इसका पासपोर्ट जब्त कर रखा है इन लोगों ने, भाई वो देख लेना किस दिन रात को 2:30 बजे भागेगा वहां से, और मुझे तो लग रहा है उसने 3-4 बार ट्राई भी कर लिया होगा कि भैंस की आंख पंखे पे लटक के जान ही दे दूं, लानत है ऐसी जिंदगी पे कि पाकिस्तान की कोचिंग करनी पड़ रही है मुझे, हद होती है यार, आदमी अच्छी भली जिंदगी बिता रहा था लेकिन नहीं, इसको ये एक्चुअली स्प्राइट पी के आया था कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, ले ले तूफानी, हो गया तूफान, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंग्लैंड के आने से पहले ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये कह रहा भाई मैं नहीं कर सकता कोचिंग, गंदी हरकतें ये करते हैं, नंबर वन बॉलिंग ये करते हैं, फंसता मैं हूं भैंस की आंख, उसको पता क्या लगा था ज्वाइन करने से पहले, अरे कुछ नहीं हल्का फुल्का थोड़ा सा बस मैनेज करना है, शेप में लेके आना है, थोड़ा बहुत बताऊंगा, यहाँ टप्पा रखना है, उसको टप्पा वो इनको टप्पा बताने आया था कि यहाँ डालना है, उसको तो बाद में पता लगा भैंस की आंख, जिसको मैं टप्पा समझा रहा हूँ वो टोपे हैं। ओ भाई जेसन गिलेस्पी भी लाई कि मैं कहां फंस गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई मेरे वो मीम नहीं है, मेरे भाई में फंस गया हूं, मुझे निकाल है, मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब, बस
369 रन कम पड़ गए, वरना 400 रन बन जाते हैं। ब्रेन लारा वाला रिकॉर्ड बनाया था बाबर आजम भी। भाई गजब टीम है ये, गजब। और कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हार जाएंगे मुझे लग रहा है, यहाँ से मैच ड्रॉ नहीं होगा, ये यहाँ से भी हार जाएंगे, है ना। और भाई ने जो आज मजे लिए, आज हर बोर्ड से पूछ लिया कोई खेलने को तैयार नहीं है। बाबर आजम भी लाइक यार एक दो सेंचुरी बनवा दो कहीं से भी खिलवा के, फिर साल भर जान युगांडा फोन कर दिया, आखिर में आईसीसी से ही बात करनी पड़ गई। मस्त थी ये वाली लाइव भी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करी होगी। लाइव 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 ईशान मसूद भी लाइक मैंने 50 कर दिए हैं, इंग्लिश भी आती है, पूछ लो मेरे से क्या पूछ लो, मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकता। मिलते हैं आंसर कबड्डी के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।